नमस्कार जसवीर क्रिएशन में आप सब बहनों का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो हम 3 साल के बेबी का स्वेटर बना रहे थे, जैकेट, वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। हमने इसके 3 भाग डाल दिए हैं जैकेट के। अब ये फोर्थ भाग है। फोर्थ भाग में हमने आपको कहा था कि हम इसकी जो इसको बाइंड कैसे करेंगे, पीछे वाले भाग में इसको बाइंड कैसे करेंगे वो हमने आपको बताना था, और इसकी सिलाई कैसे करनी है वो हम आज आपको ये साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा भाग बनकर रेडी है, ये देखिए पूरा हमने आपको दिखाया था, और कटिंग हमने कर ली है। 6 इंच का शोल्डर है और 11 इंच की लेंथ है शोल्डर के नीचे। टोटल इसकी लेंथ है 17 इंच। तो 17 इंच लेंथ रखकर आपने ये सारा रेडी कर लेना है, क्योंकि हमें हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम 3 साल के बच्चे का फिर लेंथ कितनी है, जहाँ हम इतनी रख लें, जहाँ हम ये आप पता क्या करें राजे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम बताएंगे नहीं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन जब हम कोई स्वेटर बनाते हैं ना, तो वो स्वेटर हम एक तो वूलन पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है, मोटी या पतली, और दूसरा उसकी सिलाइयों पे डिपेंड करता है कि आपने मोटी लगाई है या पतली, तीसरा आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइट हाथों से बुना है और कितने लूज हाथों से बुना है। आपका बच्चा आपके सामने है, आप जब भी बनाते हो तो आप अपने बच्चे की लेंथ देख लिया करो। ये नहीं है कि हमने 3 साल के बच्चे की बनाई है तो इतनी ही लेंथ आएगी, 11 इंच ही आएगी, ये ज़रूरी नहीं है, 11.5 भी आ सकती है। आपका बच्चा लंबा हो सकता है, उसकी लंबाई ज़्यादा, हाइट ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपका बच्चा छोटा हो सकता है, आप 11 इंच रखिए, आप 10 इंच भी रख सकते हैं। तो आप ना एक बार अपने बच्चे की लेंथ नापिए, उस हिसाब से स्वेटर बनाइए, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप उसका शोल्डर भी देखिए कि उसको शोल्डर कितना आएगा, उसी हिसाब से आप बनाइए। तो ये जैकेट है, इसका शोल्डर थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, तो ऐसे आपने अपने बच्चे का नाप लेकर ही स्वेटर को बनाना है। बाकी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसी कटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे जहाँ 22 फंदे हैं तो आप 20 फंदे रख सकते हैं। अगर हमारे बैक में 3 भाग हैं, 22, 22 और 22, 3 भाग में जे फंदे हैं बैक वाले, तो आप उसी हिसाब से ही फंदे रख सकते हैं। तो 1-2 फंदे, 4 फंदे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने बच्चे का बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको बाइंड करेंगे, तो बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो क्योंकि हमारा जो आप बाइंड करेंगे, जो सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई है, तो हमारी सिलाइयाँ बराबर जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब हम पीछे का भाग देखेंगे तो पीछे का भाग जो है हमारा, उसकी उधर से सीधी सिलाई आनी चाहिए जहाँ हमें ये लाइन दिखनी चाहिए। जब ए वाली लाइन उल्टी हमें दिखेगी तब हम इसको बाइंड करेंगे। जो हमारा जे वाला पोर्शन है, जब इसको हम इसके साथ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जे हमारा सीधा भाग है, हमने रॉन्ग साइड से बंद करना है, तो हम इसको भी उल्टा करेंगे, सीधे भाग अंदर कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लिए हमने सीधे भाग अंदर, इसको भी हम जहाँ पे रखेंगे उल्टा, जे साइड उल्टी है और स्वेटर की दूसरी साइड भी उल्टी है, इधर वाली ये देखिए ये भी उल्टी है, ये भी साइड उल्टी है, ये भी साइड उल्टी है, जो हमारी चेन बनी है ये उल्टी साइड है। अब हम इसको बाइंड करेंगे, तो ये देखिए जब हम इसको सीधी साइड रखा है, ये सीधी साइड है, सीधी साइड में ये उल्टी लाइन आनी चाहिए, और जो हमारे ये पार्ट्स हैं इसकी भी उल्टी लाइन जहाँ पे दिखनी चाहिए, इधर से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से सीधी सिलाई बन जानी चाहिए, दूसरे भाग में भी सीधी सिलाई बन जानी चाहिए, तो इधर भी उल्टी लाइन दिखनी चाहिए, इधर भी उल्टी दिखेगी, इधर भी उल्टी दिखेगी। जब हम बाइंड करेंगे
इसके साथ तो बराबर सिलाइयाँ उल्टी उल्टी दिखेंगी, हम आपको दिखाएंगे कैसे दिखेंगी। तो अब हमने इसको बाइंड करना है। जैसे हमने सीधा बुना तो सीधी सिलाई उल्टी साइड से सीधी सिलाई बुनी तो जे थ्रेड जहाँ आया है, अब हमने इसका थ्रेड जहाँ है अब हम बाइंड कैसे करेंगे। हमने इस सिलाई के फंदे इसको इस साइड डाल लेना है, उतार कर इस साइड कर लेना है ऐसे। सिलाई का मुंह उसी साइड करना है जिस साइड उल्टी साइड से दूसरे का। अब इधर आ गया ये देखिए फ्रेंड, इसका मुंह इधर है लेकिन हमने सिलाई इधर डाल दी। अब इसका इधर है ऑलरेडी बैक साइड का, तो हम इसके साथ इसको लगाएंगे और एक फंदा हम पीछे का लेंगे एक आगे का। तो हम दोनों को ऐसे दोनों फंदों का एक करेंगे, उसके बाद फिर दो फंदों का एक करेंगे ऐसे। दो बार दो फंदों का एक किया, दो फंदे हो गए। अब ये दो फंदे दिख रहे हैं तो इस फंदे को इस सिलाई में डालकर हम ऐसे निकाल देंगे। जो हमने ये स्टिचिंग करनी है बाइंड करना है इसको ढीला ही बंद करना है, बहुत टाइट नहीं। फिर इस फंदे को लेंगे बैक वाले को और इस वाले को, दोनों को बुनेंगे एक साथ उतारेंगे और फिर इस सिलाई से ऐसे बाइंड करेंगे। बड़ा टाइट नहीं करना, ना ही ज़्यादा लूज करना है, जैसा हम बुनते हैं वैसे थोड़ा सा ढीला। तो ऐसे हमने इसको बंद करते जाना है। हम आपको बंद करके दिखाते हैं कि ये कैसे बराबर आता है। आगे फिर देखिए, क्योंकि लास्ट वाले हमारे 6 फंदे थे पट्टी के, और अब ये भी सीधा फंदा है फली वाला और ये भी सीधा है, दोनों का फिर एक करेंगे। बिल्कुल बराबर हमने इसको बाइंड करना है ऐसे, ऐसे लाइन आनी चाहिए चेन, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। तो हम आपको जहाँ तक बंद करके पूरे फंदे दिखाते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, हमने लास्ट तक जितने 22 फंदे जे थे 22 जे हमने बाइंड कर दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं जो जे देखिए चेन आई है, पूरी चेन नज़र आ रही है, ये बाइंड हो गया है। और अब हम सीधी साइड आपको दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल बनकर इसके बराबर आई है लाइन, और ऐसे लग रहा है जैसे इकट्ठा बुना हो दोनों पीस। तो ऐसे आपने बाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये बाइंड कर लिया है, क्योंकि 22 फंदे ये हैं, 22 बीच के हैं और 22 हमने बंद कर दिए, तो हमारे टोटल फंदे हैं 66। तो हमारे टोटल फंदे हैं 66। अब हम 22 फंदे बाइंड करेंगे इसी के साथ। जैसे ही हमने जहां बंद किया अब हम 22 फंदे आगे बंद करेंगे ऐसे सिंपल। जे फंदे हम पीछे को बंद करेंगे, क्योंकि जे सीधी साइड है तो हम पीछे को बंद करेंगे ऐसे। ऐसे दो का एक करते जाएंगे और बहुत सॉफ्ट हाथों से। जे चेन बन रही है जहाँ पे भी, अगर आपने ऐसी चेन बनानी है तो भी ठीक है, अगर आपने एक फंदा ऐसे सीधा बुनकर फिर ऊपर से निकालना है वो भी कर सकते हैं। वो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, फंदा बुना ऊपर से निकालना फिर फंदा बुना, लेकिन लूज बुनना है, टाइट नहीं बुनना है। तो जे ऐसी चेन आएगी थोड़ी सी, हम आपको दिखाते आती बराबर ही है, लेकिन वो थोड़ा पार्ट आसान होता है और सीधा होता है। तो हमने जैसे आपका दिल करे
वैसे करिए। तो हम जे वाला ही करेंगे, पीछे को दो फंदे का एक किया और फिर फंदा इधर रखा, फिर दो का एक किया, फिर फंदा रखा और दो का। इतना लूज बंद करना है कि ऐसा सिंपल लगे कि आपने सिंपल सा ही रखा है। अगर टाइट बंद करेंगे तो जब बच्चा पहनता है गले में तो फीलिंग अच्छी नहीं आती, वहाँ से टाइट रहता है पीछे का भाग। तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बंद कीजिए और सुंदर सा बनाइए अपने बच्चे के लिए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड, हमने 22 फंदे बंद कर दिए हैं। ये पीछे का भाग है गले का। अब 22 फंदे ये हैं, 22 फंदे ये हैं, दोनों 22 हैं साइड के। अब हम इनको बाइंड करेंगे, तो अब हम अपनी तरफ बंद करेंगे इनको। पहले हम पीछे को बंद कर रहे थे दो का एक दो का एक, अब हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले शोल्डर किया है, दो का एक किया, फिर एक पीछे से फंदा लिया जे वाला, फिर जे वाला, और दोनों को दो का एक कर दिया। फिर हम इस सिलाई से दो ऐसे कर देंगे, फिर दो का एक करेंगे, एक पीछे का फंदा लेंगे सिलाई से, एक आगे का, दोनों का दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, टाइट नहीं करना है। बिल्कुल जैसी वूलन दिख रही है वैसे ही बुनते जाइए, सिंपल रखकर, खींच कर नहीं, सिंपल। तो ऐसे आपने पूरा बंद करना है। ये देखिए हमने बाइंड कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा थ्रेड रख कर सुई में जो डल जाए काट कर पक्का कर देंगे। और सिलाइयों को छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने बाइंड कर लिया है। जो हमारे ये थ्रेड है थोड़े थोड़े लंबे काट के सुई में डाल के इसको पक्का कर देंगे अंदर की अंदर ही। और हाँ, इधर भी है, सभी थ्रेड को काट देंगे और ऐसे इसको रख लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बनकर ऐसे लग रहा है। ये सुई से हम अंदर करेंगे, इसको फिनिशिंग देंगे और ये पूरा रेडी ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए बन गया है। ये जो बटन होल है वो हमने चार रखे हैं। एक तो बॉर्डर था जहाँ पे एक दो तीन और चार, चार हम जहाँ से कटिंग की है फोर्थ वहाँ पे होल रखा है, जहाँ हम बटन लगाएंगे और जहाँ हम अब सिलाई करेंगे इसकी। तो हम आपको बताते हैं कि सिलाई कैसे करनी। तो अब हम इस जैकेट की सिलाई करेंगे। सिलाई हम जहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, जहाँ तक हमने कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ तक। अगर आपके बच्चे को शोल्डर ज़्यादा खुला लग रहा है तो आप थोड़ी सी ऊपर तक भी कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट हैं, दो पार्ट की सिलाई हमने कैसे करनी है। फ्रंट और बैक की ऐसे रख लीजिए, ऐसे जैसे हमने जहाँ पे सुई लगा दी है थ्रेड डाल के हमने थोड़ा सा सिला है, फिर आगे हम इसको सिलेंगे कैसे। एक पीस चेन वाला जहाँ से लेंगे फिर उधर से लेंगे, ये साथ वाला ऐसे लेकर हमने सिलाई करनी है। फिर इधर चेन वाला लेंगे पीस, फिर उधर से, तो ऐसे हम सिलाई कर देंगे। ये बॉर्डर है, आगे जो हमारा पार्ट है उसकी सिलाई थोड़ी सी अलग से होगी, वो भी हम होगी ऐसे ही, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। पहले हम जहाँ तक स्टिच कर लें। ये देखिए बॉर्डर की सिलाई हमने कर दी है। अब आगे हम जो ये दो उल्टी उल्टी हमने
सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के उल्टी लाइनें साइड की बनाई थी, अब उसकी सिलाई हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जे वाला पीस जो उल्टा है अंदर से लेंगे, फिर दूसरी साइड से जे वाला ऐसे, तो उल्टी लाइन को उल्टी लाइन से जोड़ते जाएंगे, फिर आगे उल्टा पीस, फिर इधर से ऐसे चेन एक एक लेते जाएंगे और आपस में इसको जोड़ते हुए ऐसे स्टिच करते जाएंगे। ऐसे और इसकी हम पूरी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। बस ऐसे आराम से चलते जाना है और सिलाई करते जाना है। ये देखिए हम दिखाते हैं, दूसरी साइड हमने कर ली है सिलाई दूसरे भाग में, इसमें भी हम आपको करके सिलाई फिर दिखाएंगे। ऐसे पार्ट जोड़ना है फ्रंट का और बैक का, ऐसे ही हमने इधर जोड़ना है शोल्डर तक। जे देखिए फ्रेंड बनकर जे बिल्कुल रेडी हो गई है, सिलाई हमने कर दी है साइड की और ऐसे शोल्डर जितना रखना है आपने उतना रख लीजिए। वैसे शोल्डर जहाँ तक है हमने थोड़ा ऊपर किया है, बच्चा बहुत पतला है तो इसके लिए इतना जितना शोल्डर चाहिए हमने रखा है, आप फुल जहाँ तक भी रख सकते हैं। एक दो तीन सिलाइयाँ हमने ऊपर किया है, उन थोड़ी मोटी है तो ऐसे आपने बनाना है। बैक साइड से आपको दिखाते हैं कैसा लगता है, ये बैक साइड है, बैक साइड से भी बहुत सुंदर लगेगा और फ्रंट साइड से भी। तो ऐसे जे बनकर रेडी होगी। जे हमारे जो बटन होल हैं उस पे हम बटन लगाएंगे, जहाँ पे एक जहाँ पे, फिर वो लगा कर रेडी कर देंगे ऐसे। तो चार ही बटन इसमें, फोर बटन आएंगे। ये देखिए ऐसे ही आप अपने बच्चे के लिए रेडी कर लीजिए। इसके बाद हम इसका फुल मेज़रमेंट की एक वीडियो रेडी करेंगे, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स पूरी हमारे पार्ट्स ये स्वेटर के जैकेट के नहीं देख पाए वो फिर उसमें देख पाएंगे। अगर आपने इसमें कुछ पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।